इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है वो कौन सी डेट पे है और फाइनल एशिया कप का कब होगा, ये सारी डिटेल्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। एशिया कप 2022 की कंप्लीट शेड्यूल और टीम्स ग्रुप्स का, कौन से ग्राउंड में मैचेस होने हैं, टाइम क्या है, लाइव कहां देख सकते हैं, ये सारी अपडेट्स आपको इसी छोटे से वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा एक बार सुन लीजिए, सारी अपडेट्स आपको हम दे देंगे। शुरुआत सबसे पहले करें, एशिया कप क्वालिफायर 2022 जो है वो शुरू कब से होने वाला है और कौन कौन सी टीम्स कौन कौन से ग्रुप में है, आपको बता। बिल्कुल, और शुरू कीजिए, हाँ स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 27 अगस्त से 27 अगस्त से शुरू होगा। वहीं ग्रुप्स की बात करें तो दो ग्रुप में बांटा गया है, जी हाँ तीन तीन टीमें हैं दो ग्रुपों में। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान और जो क्वालिफायर्स टीम आएंगी, जी हाँ जो एक टीम आएगी वो वहाँ मौजूद होगी उस ग्रुप में। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तीन टीमें ग्रुप बी में शामिल। बिल्कुल, और आपको बता दें क्वालिफायर जो टीम आएगी, एशिया कप जो क्वालिफायर है वो 20 अगस्त से होना है, तो उसमें चार टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, सिंगापुर, कुवैत, हांगकांग और यूएई। इन चारों टीमों में से जो जीत कर आएगा वो इंडिया वाले ग्रुप में आ जाएगा, यानी इंडिया, पाकिस्तान और जो क्वालिफायर में सबने कहा वहां पर आ जाएगा। खैर, अब यहां बात करें एशिया कप के शेड्यूल की, तो डेट बाय डेट क्या शेड्यूल है आइए आपको बता। बिल्कुल, और 27 अगस्त, जी हाँ, पहला मैच जो एशिया कप का खेला जाएगा वो है श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच। बिल्कुल, और उसके बाद बात करें 28 अगस्त को, जी हाँ, और उसके बाद 28 अगस्त में हाई वोल्टेज मैच बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पहले से ही डेट मालूम पड़ जाती है। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा, सॉलिड मैच होने की उम्मीद है ये भी। उसके बाद 29 को रेस्ट है। जी हाँ, 30 अगस्त की बात करें तो बांग्लादेश वर्सेज अफगानिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा, जो कि उम्मीद है बहुत बेहतर मैच देखने को मिलेगा। वहीं पर 31 अगस्त में इंडिया वर्सेज जो क्वालिफायर की जो टीम आएंगी, एक टीम, उनके साथ ये मैच खेला जाने वाला है 31 अगस्त को। वहीं पर 1 तारीख को बात करें तो श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश, जी हाँ, श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश के बीच काफ़ी बेहतर मैच देखने को मिलेगा। वहीं पर 2 सितंबर की बात करें, जी हाँ, तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेज जो क्वालिफायर जीत कर आएगी एक टीम, उसके बीच पर ये मैच जो लीग स्टेज है वो यहाँ पर आकर खत्म। बिल्कुल, तो और लीग स्टेज की शुरुआत श्रीलंका के मैच से इसलिए हो रही है क्योंकि श्रीलंका इस एशिया कप का होस्ट है। जी हाँ, जो मैचेस जो है वो यूएई में जरूर हो रहे हैं, लेकिन एज अ होस्टिंग पार्टनर जो है वो श्रीलंका ही, इसके मौजूद राइट्स उन्हीं के पास है, इसलिए श्रीलंका के मैच के साथ इस एशिया कप की शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पर इसके बाद शुरू होगा सुपर फोर का स्टेज। जी हाँ, सुपर फोर का स्टेज क्या है वो आपको जरूर बताएंगे और डेट्स उसकी क्या है वही बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दें कि ये सारे मैचेस जो है, सारे पहले से लेकर लास्ट फाइनल तक जो सारे मैचेस हैं, ये 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेले जाएंगे। 7:30 बजे शुरू होंगे और उसके बाद ये मैच चलते रहेंगे। अब उस लीग स्टेज के बाद सुपर फोर की जो डेट्स है वो क्या है, कब से कब तक होंगे, एग्जैक्टली वो डेट हम बता दें। बिल्कुल, अब वो डेट है 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर। जी हाँ, 7 दिन ये चलेंगे, जिसमें कि एक दिन रेस्ट भी है उसमें शामिल है, और 3 से 9 सितंबर के बीच में सुपर फोर का ये जो राउंड है वो खेला जाएगा। बिल्कुल, तो यानी ग्रुप ए में जो टॉप 2 टीम रहेगी और ग्रुप बी में जो टॉप 2 टीम रहेगी, ये आपस में 3 बार भिड़ेंगे। जी हाँ, 3 बार भिड़ेंगे आपस में, तो ये कहीं ना कहीं सुपर फोर में ये बिल्कुल 3 राउंड रॉबिन होगा। उसके बाद जो 2 टॉप की टीमें बचे निकलेंगी, वो जो टीम है वो आपको फाइनल खेलती हुई नजर आएगी, जो कि फाइनल एंड कौन सी डेट पे होगा। बिल्कुल, फाइनल की बात करें तो 11 सितंबर को, जी हाँ 11 सितंबर को ये फाइनल मैच खेला जाएगा। किसके बीच होगा, क्या होगा, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत उम्मीद है एक्शन पैक्ड मैच देखने को हमें मिलेगा। बिल्कुल, वहीं पर अगर आप आपके सामने रखें एंड ग्राउंड्स की बात करें तो कौन से ग्राउंड्स में ये मैचेस होने हैं यूएई में। बिल्कुल, 2 ग्राउंड्स पर यूएई के इन मैचों को रखा गया है, दुबई एंड शारजा। जी हाँ, और मैक्सिमम मैच जो है 3 ही मैच सिर्फ शारजा में होने हैं और बाकी सारे जितने ही मैच हैं वो आपके दुबई स्टेडियम में खेले जाएंगे। बिल्कुल, दुबई स्टेडियम में खेले जाएंगे, हर काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस ये होने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप इन मैचेस को लाइव कहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, लाइव की अगर हम बात करें तो अगर आप टीवी में क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ये सारे मैचेस होंगे, 1, 2, 3 कोई भी, हिंदी कोई भी लगाइएगा, आपको एशिया कप सारे मैचेस हर चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आप मोबाइल में मैचेस देखने में शौकीन हैं तो फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है वहाँ पर आप इन मैचेस को देख सकते हैं, आपको एक छोटा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, उसके बाद आप इन मैचेस को लाइव लुत्फ उठा सकते हैं। एंड ओवरऑल बात करें तो नजर आता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एशिया कप का शेड्यूल यहाँ पर है, 7:30 बजे मैचेस हैं। और एंड एक छोटी सी चीज़ जाकर वापस से अगर किसी को इन्फॉर्मेशन के तहत चाहिए तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये मैचेस श्रीलंका के बजाय यूएई में क्यों हो रहे हैं, इसका अपडेट भी जल्दी से दें। जरूर, देखिए श्रीलंका में सभी जानते हैं जिस तरीके के क्राइसिस उठ खड़े हुए थे अचानक, जिस तरीके के हालात आए श्रीलंका के देश में,
इस वजह से जी हाँ अचानक से ऐसा उबाल आया, उस वजह से उसको शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन लास्ट तक भी ये शिफ्ट नहीं हुआ था। कोशिश थी श्रीलंकन क्रिकेट की और गवर्निंग क्रिकेट की कि इसे यहीं कराया जाए, श्रीलंका में होस्ट कराया जाए, वो सक्सेसफुल भी हुए थे दो सीरीजेस को होस्ट कराने में, लेकिन एट द लास्ट ये डिसीजन लिया गया ACC की तरफ से और श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से कि इसको UAE में शिफ्ट कर दिया जाए तो बेहतर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सारे अपडेट्स इस मैच से पूरे एशिया कप 2022 टूर्नामेंट से लेकर यहाँ तक बात है लाइव स्कोर अपडेट्स की और पोस्ट मैच एनालिसिस की, तो आपको डेली क्रिकेट में वो चीज़ें मिल जाएंगी एशिया कप की। अगर आपको मैच के बाद पूरे मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस सुननी है तो आप डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए, और अगर आपको लाइव स्कोर अपडेट्स और क्रिकेट न्यूज चाहिए सारी अपडेट्स एशिया कप रिलेटेड, तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो जरूर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, प्लीज वीडियो का लाइक जरूर करिए, सारी अपडेट्स जो है वो हमने इस वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर दी है एशिया कप 2022 के। फिलहाल इस वीडियो में